किसान आंदोलन के बीच हरियाणा में 5 मार्च से बजट सेशन हो रहा है। इस बार बजट सेशन हंगामेदार रहने की संभावना है। विधानसभा सचिवालय की ओर से बजट सेशन को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोविड-19 की गाइडलाइंस की अनुपालना की जाएगी। अभय सिंह चौटाला की ओर से एलनाबाद से विधायक पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद वे इस बार सदन में नजर नहीं आएंगे। वे बाहर से ही सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बजट सेशन में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, तो शाम से विधायक किरण चौधरी भी लगातार अविश्वास प्रस्ताव को लाने को लेकर बयान दे रही हैं। उधर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के अलावा जजपा नेताओं की ओर से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हुड्डा पर हमले बोले जा रहे हैं। बजट सेशन के दौरान ही हरियाणा का बजट पेश किया जाएगा। पिछले करीब 3.25 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के बीच इस बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कृषि क्षेत्र पर मेहरबानी कर सकते हैं। पिछली बार 1,42,000 करोड़ का बजट पेश किया गया था। इसमें कृषि, पशुपालन और मछली पालन का बजट 6,045 करोड़ था। इस बार कृषि, स्वास्थ्य व अंत्योदय योजनाओं का बजट बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति का बजट अधिक रहने की संभावना है। इसके अलावा ग्रामीण व शहरी विकास, स्वास्थ्य, परिवहन पर भी फोकस रहने की संभावना है। बजट में पेंशन बढ़ोतरी भी की जा सकती है। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी संकेत दे चुके हैं। बजट सेशन के दौरान कुल 60 प्रश्न चयनित किए गए हैं। यह बजट सेशन इसीलिए हंगामा खेज रह सकता है कि किसान आंदोलन के बीच पहली बार सेशन हो रहा है। ऐसे में विपक्ष सरकार को घेरने में कसर नहीं छोड़ेगा। पिछले दिनों अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया था। वैसे संख्या बल की बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव का सरकार पर खासा असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे दिए जाने के बाद और कालका से प्रदीप चौधरी की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद वर्तमान में कुल 88 विधायक हैं। इस समय हरियाणा में भाजपा के 40, जजपा के 10 विधायक हैं। कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं, 7 आजाद विधायक हैं, जबकि 1 विधायक हलोपा से है। वर्तमान के सियासी समीकरण देखें तो गठबंधन सरकार में भाजपा और जजपा के कुल 50 विधायक हैं, तो कुछ आजाद विधायकों का भी सरकार को समर्थन हासिल है। बहुमत के लिए 44 विधायकों का समर्थन चाहिए। ऐसे में सरकार पर असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, पर इस बार अभय सिंह चौटाला की गैर मौजूदगी अवश्य विधानसभा सेशन में एक बड़ी कमी के रूप में नजर आएगी, तो कांग्रेस खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सदन में उपस्थिति देखने वाली होगी। खास बात यह है कि वित्त मंत्रालय का पोर्टफोलियो स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास है। वे हरियाणा के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने बतौर वित्त मंत्री पिछली बार 28 फरवरी को बजट पेश किया था। बजट को लेकर स्वयं मुख्यमंत्री पिछले काफी समय से सक्रिय हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के 10 सांसदों और सभी विधायकों के अलावा विभिन्न वर्ग के लोगों से लिखित में बजट को लेकर सुझाव मांगे थे। मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से राज्य के जनप्रतिनिधियों के अलावा किसानों, उद्योगपतियों, महिलाओं, शिक्षाविदों, खिलाड़ियों सहित कई तबकों के लोगों से बजट को लेकर राय मांगी गई थी। इन्हीं सुझावों के आधार पर बजट तैयार किया गया है। अब देखना यह होगा कि बतौर वित्त मंत्रालय प्रभारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपना दूसरा बजट कैसा लेकर आते हैं।